चलो शुरू करें। बात कर रहे थे हम कॉन्टिन्यूटी की। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स टाइप के फंक्शन में, कि इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी कब कॉज होगी। कब होगी? जब भी ये इंटीजर बनेगा एक्सेप्ट पॉइंट ऑफ मिनिमा। यही बात करी थी हमने। कुछ क्वेश्चन भी करे थे इस पे। सिग्नम की भी बात करी थी हमने। सिग्नम ऑफ एक्स मान लो लिखा हुआ है, या सिग्नम ऑफ एफ एक्स हमारे पास लिखा हुआ है। एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो जब जब ये जीरो बनेगा तब तब सिग्नम डिसकॉन्टिन्यूटी कॉज करेगा। क्या इन दोनों चीजों से एग्री करते हो? बहुत बढ़िया, एग्री करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। देखो एक्सेप्शन इसकी इसकी लिख ली थी हमने। एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो पे वैलिड नहीं होगा, याद आ गया? नॉन जीरो फंक्शन के लिए बात करी थी। वो जो एक्सेप्शन लिखी थी वो जरूर और जरूर याद रखनी है। ठीक, तो एक क्वेश्चन है, मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस वन, जीरो से लेके एक्स वन तक, और टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जब वन से लेके टू तक। तुम्हें इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है, या ये मान लो कि पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताने हैं। ये दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन। चलो मैं एक बार तुम्हें एक ओरल ओरल ओरली करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। तो मुझे ये बताओ, क्या जीरो, वन और टू ये तीन प्रोबेबल पॉइंट लग रहे हैं तुम्हें? यस और नो? जीरो पे, वन पे या टू पे? देखने में सबसे पहले हमें ये लग रहा है कि ये तीन प्रोबेबल पॉइंट होंगे। यस या नो? लग रहा होगा सबको। जरा ध्यान से देखो, ये तो डोमेन में ही नहीं है। देखो जरा, क्या टू पे इक्वालिटी है? यस या नो? नहीं है। तो ये तो डोमेन से ही बाहर, इसको तो हटाई दो, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता है जीरो और वन से। तो जीरो के लिए मुझे जीरो प्लस पे और जीरो माइनस पे देखना चाहिए, वन के लिए मुझे वन प्लस पे और वन माइनस पे देखना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। जीरो, जीरो के लिए जीरो माइनस पे भी नहीं देख सकता, क्योंकि जीरो तो एंड पॉइंट है। तो जीरो के लिए मैं जीरो पे और जीरो प्लस इन दोनों को कंपेयर कर लूंगा। जीरो पे वैल्यू आ रही है वन, जीरो प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या वैल्यू लेता है? जीरो। इंटीजर प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या वैल्यू लेता है? जीरो। इंटीजर माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या वैल्यू लेता है? वन। याद आ रहा है कुछ ऐसा? ग्राफ देख लो, चाहे चाहे कॉमन सेंस से देख लो, इंटीजर से जस्ट आगे होगा। और ये भी वन नहीं होती, टेंडिंग टू वन होती है। अगर बॉक्स लगा दिया तो वन से थोड़ी सी कम होती है एक्चुअल में। तो दोनों से सेम आ रही है, इसका मतलब जीरो पे तो कॉन्टिन्यूस है। अब देख लेते हैं वन पे। वन पे फंक्शन अलग अलग हो रहा है, मतलब फ्लक्चुएट हो रहा है। तो वन एक बार इधर डालूंगा, एक बार इधर। तो वन माइनस की जब मैं बात करूंगा तो वन कहाँ डालेगा? यहाँ पे। वन माइनस मतलब इंटीजर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट क्या दे रहा होगा? वन दे रहा होगा। दे रहा होगा या नहीं, एग्री करते हो? तो ये भी वन बनेगा, ये भी वन, ये भी वन। तो वन प्लस वन आंसर आया टू, आया या नहीं? अगर मैं वन की या फिर वन प्लस की बात करूं, दोनों एक ही जगह पे, मैं वन की बात करूं या फिर वन प्लस की बात करूं, दोनों यहीं पे डालेंगे और कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि वन पे वैल्यू कितनी आ रही है? टू माइनस वन। वन पे सॉरी, वन पे वैल्यू क्या आ रही है? टू माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन कितना होता है? जीरो। तो टू माइनस जीरो विच इज टू। लेफ्ट हैंड राइट हैंड और एफ ऑफ ए भी यही है, क्योंकि टू प्लस वन प्लस पे देखो या वन पे, दोनों से यहां से वैल्यू कितनी मिल रही है? टू। तो वन पे भी कॉन्टिन्यूस हो गया। इसका मतलब क्या कहोगे? इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या कहते हो, एग्री कर रहे हो? यस या नो? फटाफट चैट बॉक्स में लिखो। इट हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ये कह रहा हूं मैं। सब एग्री कर रहे हैं? आगे चलते हैं थोड़े। जिंदगी में फ्रैक्शनल पार्ट देख लिया हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर देख लिया, कल हमने सिग्नम की भी बात करी थी अगर याद हो। आज भी मैंने अभी बोला था, तो मैं सिग्नम पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? एक सबसे बेसिक क्वेश्चन देता हूं सबसे पहले। सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्लस टू, ये पहला है। दूसरा है सिग्नम ऑफ टू कॉस एक्स माइनस वन। दोनों में पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताने हैं।
दोनों में पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताने हैं। या मान लो जीरो से लेके टू पाई तक, जीरो से लेके टू पाई तक नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बताने हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, रो पॉइंट्स क्या है ये पता लगा ही लोगे तुम। जरा ये देखो, साइन एक्स प्लस टू की बात करूं, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है? क्या कहते हो, यस या नो? क्योंकि साइन एक्स हमारे पास कहां से कहां तक, माइनस वन से वन तक। तो साइन एक्स प्लस टू हमारे पास कहां से कहां तक, वन से लेके थ्री तक। तो वन से लेके थ्री तक है, तो सिग्नम का इनपुट कभी भी जीरो नहीं बना, तो कभी भी डिसकॉन्टिन्यूटी कॉज नहीं होगी। एग्री? तो ये क्या हो गया, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। क्या कहते हो, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, इसकी बात करें तो टू कॉस एक्स माइनस वन जीरो होगा, कॉस एक्स हाफ, जब जब कॉस एक्स हाफ होगा तब तब इसको डिसकॉन्टिन्यूअस कर देगा। सिग्नम बाहर बैठा है, सिग्नम के इनपुट में जब भी जीरो आता है तो क्या करता है, डिसकॉन्टिन्यूअस कर देता है। एग्री करते हो इस चीज को? तो कॉस एक्स जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई की बात करूं तो ग्राफ ऐसा होता है, जीरो से टू पाई में दो पॉइंट मिलते हैं हमें, और वो पॉइंट क्या होते हैं ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। अभी फिलहाल मैंने नंबर ऑफ पॉइंट पूछे थे, तुम्हारा आंसर हो जाएगा जीरो कॉमा टू, पहले में कोई पॉइंट नहीं है, दूसरे में दो पॉइंट है, और सभी ने लगभग यही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं जिंदगी में। अब मैं बात कर रहा हूं, अगर तुम्हें एफ ऑफ जी एक्स पे कमेंट करना हो तो जनरल कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, सिग्नम ऑफ, मैंने कहा सिग्नम ऑफ, बहुत आसान सा एग्जांपल दूंगा, सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, ये एग्जांपल दिया, और मैंने कहा कि एक्स बिलोंग कर रहा है पांच से लेके पचास तक, मान लो ये छोटा सा एग्जांपल, सिंपल। तो मुझे ये बताओ कि ये कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, ये जिसको सर्कल करा है, पूरा नहीं, जिसको सर्कल करा है, डिसकॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सही, क्योंकि जब जब एक्स इंटीजर बनेगा ये डिसकॉन्टिन्यूटी कॉज करेगा, लेकिन इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी पूरे फंक्शन में दिखाई नहीं देगी। एग्री करते हो? क्यों, इसके डिसकॉन्टिन्यूअस होने से, क्योंकि बाहर चाचा बैठा है, चाचा सब संभाल लेगा। देखो जरा ध्यान से, मैंने कहा पांच से लेके पचास तक ये ऑलवेज पॉजिटिव तो है ही ना, और अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो सिग्नम को टूटा फूटा इनपुट मिले, कुछ भी मिले, ये जितने भी पॉइंट पे ब्रेक करता रहे, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पूरा फंक्शन आएगा ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस आएगा इस इंटरवल में। एग्री, समझे बात को? तो एफ ऑफ जी एक्स पे कभी भी जनरल कमेंट नहीं करेंगे कभी भी, कि अगर जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस है तो एफ ऑफ जी एक्स होगा या नहीं, या एफ एक्स है तो ये होगा या नहीं, एंड सो ऑन। हमेशा अपनी कॉमन सेंस से चेक करेंगे कि इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी क्या बाहर वाले फंक्शन को अफेक्ट कर भी पा रही है या नहीं, या बाहर वाले की डिसकॉन्टिन्यूटी अंदर वाले की वजह से अफेक्ट हो भी रही है या नहीं। इसको हम हमेशा कैसे डील करेंगे, कॉमन सेंस से डील करेंगे। कभी भी तुम्हें कोई कमेंट लिखा मिले एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स पे, तो उस पर कॉमन सेंस से, या कोई फंक्शन में ना मिले कि एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, एफ ऑफ जी एक्स की कॉन्टिन्यूटी बताओ इस पॉइंट पे, तो हमेशा उसको डेफिनेशन से, कॉमन सेंस से देखना है। रट्टा नहीं मारना है कि बाहर वाला डिसकॉन्टिन्यूस हुआ, अंदर वाला कॉन्टिन्यूस हुआ तो ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं। समझे, समझ गए? बहुत बढ़िया, तो आगे चलते सिग्नम का एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने तुम्हें कहा डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। फटाफट से कॉपी पे पेन चलाओ, फटाफट से कॉपी पे पेन चलाओ। एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स। चलो अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से सब ने इस क्वेश्चन को एनालाइज तो कर लिया होगा। ये क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सिग्नम के इनपुट को जीरो करते हैं, सिग्नम का इनपुट कौन है,
एक्स क्यूब माइनस एक्स को जीरो कर देते हैं, बना एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन और जीरो। ये तीन पॉइंट आए, माइनस वन जीरो वन, ये तीन प्रोबेबल पॉइंट्स आए, प्रोबेबल पॉइंट्स। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये तीन है, ये तीन प्रोबेबल पॉइंट्स हुए, क्योंकि और भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, हो सकता है ये कुछ संभाल ले, लेकिन इसने कहा कि मैं इन तीनों को चाहता हूं कि डिस्कंटिन्यूटी आए, क्योंकि सिग्नम तो ऐसे ही चाहता है हमेशा। आप देख सकते एक एक करके इन पॉइंट को स्टडी करेंगे, एक एक करके इन पॉइंट को स्टडी करेंगे। फंक्शन है मॉड एक्स इंटू सिग्नम ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स, ऐसा है। पहले मैं स्टडी कर रहा हूं माइनस वन पे, अभी मैं किस पे स्टडी कर रहा हूं, माइनस वन पे, ठीक है। माइनस वन पे ये कॉन्टिन्यूस, ये तो डिसकॉन्टिन्यूस, क्या इस चीज को एग्री करते हो जो मैंने लिखा है? माइनस वन ये तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस है, इसको कोई नहीं बदल सकता, ये कॉन्टिन्यूस ये डिसकॉन्टिन्यूस, एग्री करते हो? यस या नो? बिल्कुल एग्री करते हो, और एग्री करते हो तो जरा तुम्हें वो थ्योरम भी याद होगी हमने लिखी थी, एक कॉन्टिन्यूस और एक डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन को एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे तो जो नया फंक्शन आएगा वो डिसकॉन्टिन्यूस आएगा। एग्री भी करते हो इस चीज को या नहीं? याद आ गया? अगर एक कॉन्टिन्यूस और एक डिसकॉन्टिन्यूस को, तो मुझे ये ऐसे नहीं करना पड़ा कि माइनस वन माइनस पे, माइनस वन प्लस पे, माइनस वन पे, तीनों निकालू चेक करूं, टाइम वेस्ट नहीं। क्या करा? वो याद करा, एक पढ़ा था ना हमने कल, डिटेल में पढ़े थे थ्योरम, एक कॉन्टिन्यूस एक डिसकॉन्टिन्यूस, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी होगा हमेशा डिसकॉन्टिन्यूस देगा, फटाफट से बता दिया। और अगला पॉइंट ले लेते हैं, मान लो वन ले लिया, वन पे ये कॉन्टिन्यूस ये डिसकॉन्टिन्यूस, वन पे ये कॉन्टिन्यूस ये डिसकॉन्टिन्यूस, एक कॉन्टिन्यूस और एक डिसकॉन्टिन्यूस को फिर से हमने क्या करा, एक कॉन्टिन्यूस और एक डिसकॉन्टिन्यूस को फिर से क्या करा हमने, मल्टीप्लाई। ये बताओ कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा? एक कॉन्टिन्यूस और एक डिसकॉन्टिन्यूस को अगर मल्टीप्लाई करते थे तो मैं, हाँ अब लिख रहे हो, अब लिख रहे हो चैट बॉक्स में, इन 64 में से 8 बालकों ने पहले भी यही लिखा था, 64 में थे 8 या मैक्सिमम 10 बालकों ने ये लिखा था, लेकिन बाकी जो 50-54 बालक है वो कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं भाई? क्या लग रहा है, जैसे मूवी चल रही है चलने तो बढ़िया, क्या ये स्टंट मैंने पहली बार करा है क्लास में? सब यस सर यस सर यस सर यस सर, हाँ कुछ सुना तो हुआ ऐसा, यस सर यस सर, हाँ अब मैं भी लिख रहे हैं। और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि, और आधे तो वो है जिन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, छोड़ो यस सर नो सर के पंगे में ही ना पड़ो, क्योंकि सर कोई ना कोई स्टंट करते ही रहते हैं कभी ना कभी, पता चले यस सर लिखा और आंसर नो सर हो। ध्यान से सुना करो, हमने पढ़ा था, याद करो थ्योरम, क्या पढ़ा था, अगर एक कॉन्टिन्यूस और एक डिसकॉन्टिन्यूस को एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा जो फंक्शन आएगा वो डिसकॉन्टिन्यूस, लेकिन मल्टीप्लाई के केस में क्या होता था, याद आ रहा है? हाँ सॉरी लिख के भेजने लगे, लिखो लिखो सभी सॉरी लिख के भेजो जिन्होंने आंसर गलत दिया था, जल्दी से, और सॉरी मेरे को नहीं, सॉरी अपने आप को बोलो, उस थ्योरम को बोलो। हाँ बढ़िया बढ़िया, अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है, और हो सके तो दीवार में सर मारने की वीडियो भी बना के भेजना, और दिल को तसल्ली मिलेगी मेरे, हद हो गई है। जिन जिन लोगों से तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, उन लोगों ने भी लिख दिया था उस पर यस सर, कि आप कह रहे हो तो सही होएगा। चलो बस करो अब, सॉरी आ जाओ वापसी। मॉड एक्स सिग्नम ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स, सिग्नम का इनपुट जीरो करा, प्रोबेबल पॉइंट आए माइनस वन जीरो वन, ये तीन प्रोबेबल पॉइंट आए। सबसे पहले देखते हैं कि माइनस वन के बारे में क्या ख्याल है। माइनस वन की बात करता हूं तो सिग्नम की बात करता हूं, एक्स क्यूब माइनस एक्स की बात करूं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन लिख सकता हूं। अगर इसका मैं वेवी कर्व बनाता हूं, माइनस वन जीरो वन, वेवी कर्व कुछ ऐसा होता है, नहीं भी बनाओगे वेवी कर्व तो ओरली वैसे भी देख लेंगे, लेकिन हमें साइन चेंज देखना है क्या होगा, इस वजह से देखना है, ठीक आ जाओ अब देख लेते हैं एक बार। ये बना हमारे पास, तो
हम क्या कह रहे हैं कि माइनस वन की बात करूं तो माइनस वन प्लस, माइनस वन माइनस, और माइनस वन पे वैल्यू देखनी है, इस पे और इस पे, ये क्या देता है जरा ध्यान से देखो, सेम वैल्यू देता है, वन 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 सेम वैल्यू देता है। लेकिन ये क्या देता है, अगर मैं इसकी बात करूं माइनस वन से पहले नेगेटिव है माइनस वन दे रहा है, सॉरी माइनस वन से पहले नेगेटिव है माइनस वन दे रहा है, माइनस वन से आगे देखो, माइनस वन से आगे इनपुट क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये वन दे रहा होगा, और माइनस वन पे इनपुट क्या है जीरो, ये जीरो दे रहा होगा। क्या ये तीनों तुम्हें इक्वल दिखाई दे रहे हैं, यहां से वन आ रहा है, यहां से माइनस वन आ रहा है, यहां से जीरो आ रहा है, क्या तुम्हें इक्वल दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे। इसका मतलब ये तो पॉइंट ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी है। सेम तरीके से मैं वन को भी चेक कर लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा, वन प्लस वन माइनस वन, वन प्लस वन माइनस वन पे मॉड तो वैल्यू दे रहा है वन, हमेशा मॉड को तो कोई दिक्कत है नहीं। सिग्नम का देखते हैं, वन प्लस पे क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव, तो यहां लिख देता हूं वन, वन माइनस वन से पहले क्या आ रहा है नेगेटिव, यहां लिख देता हूं माइनस वन। ये देखो यही दोनों अलग अलग आ गए, एक आया वन एक आया माइनस वन, दोनों बराबर नहीं है, तो क्या वन पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होगा, यस या नो, बिल्कुल होगा। अब आ जाता हूं जीरो पे, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, इस पे अगर मैं मॉड एक्स को देखूं तो इसने क्या वैल्यू देनी है, जीरो देनी है, देनी है क्या नहीं हमेशा। अब जीरो के साथ जीरो प्लस पे माइनस वन मिल रही है, या फिर वन मिल रही है, या कुछ भी मिले, जीरो के साथ या कुछ भी मल्टीप्लाई हो, तुम्हें कोई फर्क पड़ता है, आंसर हमेशा जीरो ही आना है, एग्री करते हो इस बात को। इसका मतलब यहां पे सेम वैल्यू मिल रही है, तो जीरो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, तो दो ही पॉइंट है माइनस वन और वन, सिर्फ दो पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी है। देखो जरा ध्यान से, पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है, दिमाग चलाओ ध्यान से देखो, माइनस वन समझ नहीं आया, माइनस वन प्लस, ये देखिए सिग्नम के इनपुट की वेव बना रखी है, जब मैं बात कर रहा हूं माइनस वन प्लस की, तो माइनस वन से थोड़ी आगे हूं मैं, यहाँ पे हूँ, सिग्नम का इनपुट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सिग्नम देगा वन, सिग्नम ने वन दे दिया, मॉड ने तो हमेशा ही वन देना तीनों पे, उसने भी वन, तो आ गई वैल्यू वन। अब मैं माइनस वन माइनस की बात कर रहा हूँ, माइनस वन से जस्ट पहले मैं यहाँ पे हूँ, इनपुट क्या हो गया नेगेटिव, तो सिग्नम ऑफ नेगेटिव क्या देता है माइनस वन, और मॉड ने वन ही देना था, मल्टीप्लाई होकर क्या आया माइनस वन, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आए, और अगर बराबर नहीं आए तो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो दो पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस आए हैं हमारे पास, और वो है क्या माइनस वन और जीरो। समझ गए सब, चलो और किसी ने कोई डाउट नहीं लिखा तो हम आगे चल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो तुम जब जब तुम्हें बीच में टाइम मिले अटेम्प्ट करते रहना, क्लास के एंड में या फिर अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, वैसे आज ही कर लेंगे एंड में, आज कोशिश करते हैं कॉन्टिन्यूटी खत्म ही करते। सिग्नम ऑफ एक्स माइनस टू इंटू एल एन एक्स का बॉक्स, एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट, सारी ब्रैकेट्स को पहचान लेना, बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट, जब वन से लेके थ्री तक है, जब थ्री से लेके 3.5 तक है, ये है इस फंक्शन के, पहले तुम्हें बताना है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कॉन्टिन्यूटी, और फिर वो पॉइंट्स भी बताने हैं कौन कौन से हैं, पहले नंबर ऑफ पॉइंट्स फिर वो पॉइंट, लेकिन अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब, अभी सिर्फ अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिख लो, 10 सेकंड के लिए रुक रहा हूं ताकि तुम क्वेश्चन लिख लो, सही है, बीच में जब जब तुम्हें टाइम मिले अटेम्प्ट करते रहना, मान लो मैं कोई क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूँ किसी और बालक को, तो इतने तुम अटेम्प्ट कर लेना, फिर किसी और को समझाऊंगा तो वो अटेम्प्ट कर लेगा, क्लास के एंड में एक बार इसको देखेंगे, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए टू द पावर एन, इस टाइप के फंक्शन की हम बात कर चुके हैं, बॉक्स की डिस्कॉन्टिन्यूटी कैसे दिखेगी, हम बात कर चुके हैं सिग्नम की इसमें कैसे दिखेगी, मॉड में कभी भी डिस्कॉन्टिन्यूटी आती नहीं है तो उसको हमने बात नहीं करी, मॉड लगाऊंगा किसी भी फंक्शन पे, जिंदगी में कभी भी डिस्कॉन्टिन्यूटी नहीं ला पाएगा,
ये ला सकता था, ये भी ला सकता था, इसलिए इनको देखा है। ये भी ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे डिसकॉन्टिन्यूटी, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, लेकिन ला सकते हैं। अब मैं इस टाइप की बात करूं, सबसे एक बेसिक चीज बता दो, सबसे बेसिक चीज, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? ध्यान से बताना, कतई नहीं हो सकता ना, बचपन से यही पढ़ रहे हैं, कतई नहीं हो सकता। बस बस अब मत लिखो, अब हो सकता है, अब ए नेगेटिव हो सकता है। अभी भी कुछ बच्चे नो लिख रहे हैं, अब हो सकता है, अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती ए को नेगेटिव होने। अगर याद हो वो कंसेप्ट कि हमने क्यों ए को नेगेटिव नहीं होने दिया, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था 11th के बेसिक मैथ्स में, सबसे पहले ये कंसेप्ट पढ़ा था 11th के बेसिक मैथ्स में, जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे थे, याद आ रहा होगा। थोड़े दिन पहले लिमिट में भी इससे रिलेटेड हमने कुछ कुछ चर्चा करी, फिर एक बार ये पॉइंट रिमाइंड करा रहा हूं, क्योंकि हम कम से कम 1 करोड़ बार ये बात यूज करेंगे कि ए टू दी पावर एन में ए नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन हम पूरे मैथमेटिक्स में 2 या 3 बार ऐसी चीज यूज करेंगे, और मान लो पेपर में ऐसी चीज आ गई तो हमें सिर्फ वही याद रहता है जो हमने हमेशा पढ़ा है कि ए नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन उसका रीजन क्या है और कब नहीं हो सकता और कब हो सकता है वो डिपेंड करता है। एन नेचुरल लिखा है, एन इंटीजर लिखा है, हमें समस्या कब थी, जब -2 मान लो ये लिखा हुआ है, इसकी पावर ऐसी दिखाई देने लगती थी, -2, -1/4, +1/4 ऐसे वाली पावर, इसलिए हमने कहा था कभी डिफाइंड है कभी नहीं, नहीं पढ़ेंगे। और अभी भी यही कह रहा हूं कि जब कुछ मेंशन ना हो ऐसा नहीं, बिल्कुल ए को नेगेटिव नहीं होने देंगे, लेकिन 1% चांसेस फिर भी है कि वो ये कह दे कि है ये, और अगर उसने ऐसा कह दिया ए नेगेटिव होगा, कोई ए नेगेटिव हो सकता है, तब कोई मना नहीं कर सकता है। फिलहाल हम ये एक अलग केस है तो इसकी बात नहीं कर रहे, वैसे जनरल बात कर रहा हूं, लिमिट एंटेंडिंग टू इंफिनिटी ए टू दी पावर एन, ये फंक्शन है मान, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब मैं उसी की बात कर रहा हूं ए पॉजिटिव की, तो मुझे बताओ किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी आ सकती है इसमें, जरा ध्यान से देखना इस फंक्शन को और बताओ किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी आ सकती है। मैं ए पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, गग्गू ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू कुछ ऐसी दिखाई देगी तुम्हें, अगर ए की वैल्यू 0 और 1 में हुई तो ए टू दी पावर एन क्या बनेगा, 0 बनेगा, एग्री? अगर ए की वैल्यू 1 हुई तो ए टू दी पावर एन क्या बनेगा, 1 बनेगा, एग्री? बहुत बढ़िया। अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो ए टू दी पावर बनेगा इंफिनिटी। क्या तुम्हें इस फंक्शन के ये 3 नए रूप दिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा देश वैसा भेस, सुनी होगी कहावत तुमने, तो जो कंस्ट्रेंट लगे हैं उसके हिसाब से फंक्शन अपनी वैल्यू दे रहा है। क्या किसी भी वैल्यू में किसी को डाउट है, 0 से 1 में क्वांटिटी होती है, उसकी पावर बढ़ाता जाऊं नंबर कम होता रहता है, उसकी पावर इंफिनिटी करके नंबर बन गया 0, 1 पे बना 1 की पावर इंफिनिटी, इस बार ये जो 1 की पावर इंफिनिटी है, ये जो 1 है ये एग्जैक्ट 1 की बात कर रहे हैं, ये इनडिटर्मिनेट टेंडिंग टू 1 वाला 1 नहीं है, ये 1 हुआ है, टेंडिंग नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट 1 की पावर, दुनिया में कुछ भी करोगे 1 आएगा, और जैसे ही ए 1 से बड़ा हो गया तो पावर बढ़ाने से बढ़ता रहेगा, पावर इंफिनिटी आएगी। ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं पहले भी। तो इस टाइप के फंक्शंस में हमें क्या, जैसे सिग्नम की टाइम पे क्या देखते थे कि इनपुट 0 हो रहा है तो समस्या हो सकती है, ये देखते थे, ऐसे ही इसमें क्या देखेंगे, जब ए टू दी पावर एन में ए 1 हो रहा है तो समस्या हो सकती है। क्या इस चीज को एग्री कर रहे हो? एक बात फिर बता देता हूँ, एक बालिका ने लिखा है, फिर से बता दो, अगर ए 0 से 1 है तो ये 0 बनेगा, क्योंकि 0 से 1 की मान लो हाफ की पावर इंफिनिटी करता हूँ, क्या बनता है, 0 बनता है। ए 1 है तो ये 1 बनेगा, 1 की पावर इंफिनिटी 1 होता है। ए 1 से बड़ा है, मान लो 2 हो गया, 2 की पावर इंफिनिटी क्या होता है, ये होता है। तो ये 1 के अबाउट देखो फ्लक्चुएट कर रहा है, 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है, एफ ऑफ ए अलग है, राइट हैंड लिमिट अलग है, अलग है, तो 1 पे डिसकॉन्टिन्यूटी। फिर से बता रहा हूँ, हो सकती है कह रहा हूँ, होगा या नहीं वो पूरे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, अगर सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो अलग बात है। अगर मान लो
क्वेश्चन ऐसा लिख दिया मैंने, वन एक्स ए माइनस वन इंटू ए टू दी पावर एन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिख दिया मैंने। अब ये कुछ भी वैल्यू बदलता रहा, इसने तो जीरो ही देना ना, जब मैं इसको वन के अबाउट देखूंगा। सोचो ए वन के, उसने कहा चेक करो ए इक्वल्स टू वन पे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं वन के पड़ोसी बदल बदल के देखूंगा, ये अपनी वैल्यू जीरो वन इन्फिनिटी चाचा कुछ भी देता रहे, चाची तो जीरो लेके बैठी है। और चाची क्या कहता था कि कब चली आज तक बताओ, एग्री कर रहे हो इस बात को, समझ रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूं अगर इतना ही दिखा तो उस कंसेप्ट को समझो। अब वो जब क्वेश्चन देगा तो और फंक्शन मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं ना। हाँ, अगर इतना दिख रहा है तो वन पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ये बात बिल्कुल सही है। पूरा क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि आसपास और भी फंक्शन है या नहीं है, सिर्फ इसकी अभी मैंने बात करी है कि वन पे डिसकॉन्टिन्यूस है ये। समझ गए कंसेप्ट, एग्री? चलो आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसको यूज कैसे करना। कंसेप्ट सीख लिया, यूज भी करना होगा। क्वेश्चन इज, एफ एक्स दिया हुआ है लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी कॉस टू दी पावर टू एन एक्स, ये दिया हुआ है। तुम्हें बताना है कि कब कब डिसकॉन्टिन्यूस है, कब कब डिसकॉन्टिन्यूस है। तो इसको सबसे सही आंसर आ रहे हैं, इसको सबसे पहले मैं ऐसे लिखूंगा। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉस एक्स टू दी पार इंफिनिटी भी देख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स टू दी पार इंफिनिटी भी देख सकता हूं, दोनों ही एक ही बात है। लेकिन एक्चुअल में फर्क है, यहां पे ये श्योरिटी नहीं हुई कि ये पॉजिटिव है, यहां पे ये श्योरिटी हो गई कि पॉजिटिव है, इसलिए इस फॉर्म में देखोगे। समझे क्या बोला मैंने? क्योंकि n भी इंफिनिटी है, 2n भी इंफिनिटी है, तो मैं देखने को तो ऐसे भी देख सकता हूँ कि भाई cos x की पावर 2n लिख दिया और 2n इंफिनिटी है, तो मैंने कह दिया cos की पावर इंफिनिटी, और देखने को मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। लेकिन मर्जी के साथ साथ कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ए टू दी पावर इंफिनिटी में ए को पॉजिटिव रखना। तो इस ऐसे लिखेंगे, इतना पॉइंट मेरे ख्याल से समझ गए हो, और क्वेश्चन भी यही है वैसे तो। अब जब जब ये कॉस स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, जब जब ये कॉस स्क्वायर एक्स वन हो जाएगा, तब तब समस्या, तब तब डिसकॉन्टिन्यूस। अब कॉस स्क्वायर एक्स कब होता है, एन पाई पे होता है या नहीं, एग्री कर रहे हो, यस या नो? देखो बाय चांस तुम ऐसे प्रोसीड कर रहे होते तो तुम कॉस एक्स इक्वल्स टू वन लिख देते, तुम्हारा आंसर खुद ही गलत हो जाता। तो ये cos square, तो पहले तो ये देखा कि इसको पॉजिटिव कर लेना है, तभी स्क्वायर लिखा अंदर, ऊपर n इन्फिनिटी है ही, तो जब ये वन बनेगा समस्या होगी, वन बनाया आंसर आया n पाई। तुम्हें कोई दिक्कत इसमें हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते। जल्दी से बताओ, क्या ऐसे नहीं लिखना, दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये लिखनी है, अब मेरे को सपना आएगा क्या दिक्कत है, गग्गू ने लिख दिया दिक्कत है, फिर मैं भी लिख दूंगा इलाज करा दे, ए इक्वल टू जीरो में दिक्कत है। अरे गग्गू ये तो पिछले पेज की दिक्कत थी, अब पूछ रहा है बता। ओहो अर्णव पूछ रहा है वन पे प्रॉब्लम कैसे होगी, अर्णव इतनी कहानी हमने पढ़ ली उसके बाद कह रहा है वन पे प्रॉब्लम कैसे होगी। अर्णव तबीयत ठीक है, खांसी जुकाम ज्यादा तो नहीं हो गया, गले में दर्द तेज बुखार ऐसा कुछ तो नहीं है? सुनो गग्गू ने पूछा है जीरो पे, गग्गू जीरो पे और जीरो प्लस पे, देख जीरो सबसे पहले तो एंड पॉइंट है, तो तू जीरो पे वैल्यू निकाले या जीरो प्लस पे, दोनों ही वैल्यू जीरो आ रही है, तो जीरो पे तो कॉन्टिन्यूस है ना, जीरो पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वन पे अलग अलग आ रही है इसलिए वन पे डिसकॉन्टिन्यूस है, इसलिए जब ए टू दी पावर एन में ए को वन लिया तो समस्या हुई। ये नादान वाला कौन था जिसने ये पूछा कि वन पे कैसे। विशाल कह रहा है कि
एन पाइप में तो नेगेटिव भी आ जाएगा, कॉस माइनस वन भी हो सकता है, तो कौन दुनिया की ताकत मना कर रही है कॉस के माइनस वन होने से। देखो तुम ना कंसेप्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मैंने ये चीज शुरू में ही क्लैरिफाई कर दी थी, मुझे पता था तुम ऐसी नादानी करोगे। ये बैठा है चाचा, ये देख ऊपर, चाचा बैठा है ऊपर, उसके चाचा ने आशीर्वाद दिया हुआ है, बेटे कोई भी वैल्यू ले मैं पॉजिटिव कर दूंगा, घबराइयो मत। तो वो नेगेटिव माइनस वन भी ले लेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, मैंने अभी अभी क्लैरिफाई करा था। आगे चले जिंदगी में, थोड़ा सा एक और अलग टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूं, देखना जरा मजा आ जाएगा देख के। जब एफ एक्स रैशनल के लिए और इरेशनल के लिए अलग डिफाइंड हो, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू वन व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रैशनल और जीरो व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल। हेडिंग चाहो तो इसकी हेडिंग लिखना, व्हेन एफ एक्स इज सेपरेटली डिफाइंड फॉर रैशनल एंड इरेशनल, हेडिंग भी लिख सकते हो। इस टाइप के फंक्शन की बात करें, क्या तुम इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बता सकते हो? चलो ध्यान से सोचना, एक नादान बालिका ने लिखा है ये यूनिवर्सल है। क्या यूनिवर्सल है, क्वेश्चन तो बता क्या यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल तो दुनिया में कुछ नहीं है, तू खुद भी टेम्परेरी है। इनके इसके ऐसा फंक्शन दिख रहा है, पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पूछ लिए मेरे से, कितने होंगे या क्या होंगे, जो भी आइडिया जिसके दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं ही बता देता हूं। एक बालक ने बिल्कुल सही आंसर दिया, इट इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस, इट इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस। जिंदगी में कोई पॉइंट ही नहीं है जिसपे कॉन्टिन्यूस हो, इट इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस। हाँ अब कुछ कुछ बालक सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो ये क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस। मान लो मैं x इक्वल्स टू वन पे चेक करता हूं, x इक्वल्स टू वन पे क्या वैल्यू लेगा ये बता सकते हो मुझे? x इक्वल्स टू वन पे ये वैल्यू लेगा वन, सभी ने सही लिखा है, जितनों ने भी लिखा है वन लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वन का पड़ोसी बता सकते हो रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, बताओ जरा। वन का राइट हैंड पड़ोसी कतई नहीं बता पाओगे, अगर तुम कहोगे रैशनल होगा तो मैं कह दूंगा दो रैशनल के बीच में इरेशनल डाल सकते हो, अगर तुम कहोगे इरेशनल होगा तो मैं कह दूंगा एक रैशनल इरेशनल के बीच में फिर से कोई नंबर डाल सकते हो रैशनल। तो इसमें दिक्कत ये है कि पड़ोसी ही नहीं पता है कि इधर का पड़ोसी कौन है, इधर का पड़ोसी कौन है, रैशनल है या इरेशनल है, मैं वैल्यू ऊपर से उठाऊं या नीचे से उठाऊं, क्योंकि वन से जस्ट अगला पॉइंट जो है जिसको हम वन प्लस के नाम से लिख देते हैं बेचारे को, हमें पता ही नहीं है क्या रैशनल है इरेशनल है, रियल है इतना पता है, लेकिन वो रैशनल की कैटेगरी में आएगा या इरेशनल की कैटेगरी में आएगा बिल्कुल पता नहीं लगा सकते, ना ही कोई आज तक लगा पाया है। हाँ तुम पता लगा लो तो हो सकता है मैथमेटिशियन को अवार्ड मिले तुम्हें, लेकिन कोशिश करना, फिलहाल कोई पता, हाँ अभी कोई है तुम में से जो पता लगा के श्योरिटी से बता पाए कि वन का जो अगला जस्ट इमीडिएट अगला नंबर होगा वो रैशनल या इरेशनल, या पिछला नंबर रैशनल या इरेशनल, नहीं पता लगा सकते बिल्कुल भी। और अगर नहीं पता लगा सकते, नहीं पता लगा सकते तो लिमिट कैसे बताओगे? तो हमें पड़ोसी ही नहीं पता कोई लेफ्ट या राइट, हाँ ये पता है पड़ोसी है, गारंटेड है कि पड़ोसी होगा, नहीं बता सकते। और जो चीज हम नहीं बता सकते हम क्या कह देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी होता है, एक्स मान लो इंफिनिटी, इंफिनिटी हम नहीं बता सकते कितना बड़ा नंबर है, तो हम क्या कह देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। इसको भी हमेशा क्या कहेंगे, ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तुम्हें? थोड़ा सा इस कंसेप्ट को और घुमाऊंगा, अभी इतना पॉइंट क्लियर हो गया क्या? ये रीजन समझ आ गया कि पड़ोसी नहीं बता सकते कौन सा है, ये रीजन है। आ जाओ चला आगे देखें थोड़ा, फिर अगर ऐसा है क्लियर हो ही गया, थोड़ा सा और क्वेश्चन को रीडिफाइन करता हूं। मैंने तुम्हें कहा एफ एक्स इज एक्स
for x belonging to rational, 1 minus x for x belonging to not belonging to rational. अब जरा मुझे बताओ कि पॉइंट किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा या किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा, इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है। चलो मैं तुम्हें बताता हूं, इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, दोनों इनपुट्स को बराबर कर देना है। x equals to 1 minus x, 2x की वैल्यू आई 1, x की वैल्यू आई हाफ। इसका मतलब ये एक लौता पॉइंट आया है जिसपे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ये एक लौता पॉइंट आया है जिसपे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। और जरा कंसेप्ट भी समझो क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। मैंने कहा x equals to half पे, x equals to half पे क्या वैल्यू आ रही है जरा बताओगे? x equals to half पे half वैल्यू आ रही है, बिल्कुल सही लिखा है, सही। मुझे दिक्कत क्या हो रही थी पहले कि मैं पड़ोसी नहीं पता लगा पा रहा था कि रैशनल है या इरेशनल है, यही दिक्कत थी ना अभी तक। लेकिन बताओ अगर रैशनल हुआ, हाफ का पड़ोसी अगर रैशनल हुआ तो भी वैल्यू हाफ आएगी, देखो अगर इरेशनल हुआ तो भी वैल्यू हाफ आएगी। इसका मतलब पड़ोसी कुछ भी हो वैल्यू इस पॉइंट के अबाउट सेम आने वाली है। क्या इस चीज को एग्री करते हो? यस या नो? जो फाइनल आउटपुट आने वाला है वो चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए दोनों से सेम आने वाला है। तभी मैंने देखो दोनों को इक्वेट करा के वो वैल्यू निकाली है, क्योंकि मैं अभी तक क्या दिक्कत थी, मैं पता ही नहीं लगा पा रहा था कि राइट वाला पड़ोसी लेफ्ट वाला पड़ोसी कौन होगा। तो मैंने क्या करा, समस्या ही खत्म कर दी, दोनों के इनपुट बराबर करा, दोनों के आउटपुट बराबर करे, वो आया ये आया या नहीं। और अगर ये आया तो पड़ोसी से कोई लेना देना ही नहीं है, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, हमें मतलब ही नहीं रहा पड़ोसी से। हमें इतना पता चल गया कि वैल्यू जो वो पड़ोसी देंगे वो क्या देंगे, यही देंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों से इक्वेट करा के, तो जब ये दोनों आपस में एग्री कर गए, रैशनल वाला भी कह रहा है मैं हाफ वैल्यू दूंगा, इरेशनल वाला भी कह रहा है मैं हाफ, क्योंकि दोनों को इक्वेट करा के तो निकाली है। अब मेरा पड़ोसी चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, क्या मुझे कोई फर्क पड़ता है? सोचो, बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों कह तो हाफ ही रहे ना, मुझे तो वैल्यू से मतलब है कि मेरी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम आ जाए एफ ऑफ ए के जितनी, मेरा काम बन जाएगा। अब वो रैशनल वाला पड़ोसी थे या इरेशनल वाला पड़ोसी थे, मुझे क्या फर्क पड़ता है बताओ। तो सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट जिन पे दोनों के आउटपुट बराबर करा दोगे, सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट जिन पे दोनों के इनपुट बराबर करा दोगे वही पॉइंट होंगे कॉन्टिन्यूटी वाले, बाकी डिसकॉन्टिन्यूअस। तो मैं क्या कहूंगा, दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्सेप्ट हाफ, या फिर ऐसे कहूंगा ओनली कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू हाफ। अगर डिसकॉन्टिन्यूटी पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, ऑल रियल पे डिसकॉन्टिन्यूअस है सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ के, अगर कॉन्टिन्यूटी पूछेगा तो ये सिर्फ हाफ पे कॉन्टिन्यूअस है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं भी हुआ मान लो तो YouTube वाली वीडियो मिलेगी, आराम से देखना, कोई जल्दी तो है नहीं। अब पाजी ने लिखा है कि 0.9 बार होगा प्रीवियस क्वेश्चन में। अब मेरे को ये बताओ कितने लोगों को मैं बता चुका हूं कि 0.9 बार 1 होता है, किस किस को ये याद है? याद आया, हम ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं बचपन में अपने, जब तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र थी तभी डिस्कस कर लिया था कि ये और ये दोनों सेम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 0.9 बार इज टेंडिंग टू 1, ये नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं 0.9 बार इज 1, ये कह रहा हूं। और ये हम बहुत अच्छे से अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके थे, तुम्हें याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो वही दीवार जिसपे थोड़ी देर पहले सर मारा था एक बार फिर से। चलो हम अब इसके आगे चलते हैं जिंदगी में, हमारे पास 9 ही मिनट रह गए। ओ माय गॉड, ये तो आज खत्म ही नहीं हो पाएगा ऐसे। तो अब हम बात करेंगे f ऑफ जी एक्स की। जब मुझे फंक्शन दिए हुए f ऑफ जी एक्स, मुझे इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पता लगाने, जब f ऑफ जी एक्स जैसे बनाते थे ना एफ एक्स दिया जी एक्स दिया, मान लो मैंने क्वेश्चन लिया एफ एक्स मेरे पास क्या है, एफ एक्स मेरे पास है x -2 into x less than equals to 0
और 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0, ये दे दिया उसने। उसने कहा डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स, ये दे दिया एफ एक्स उसने, और एफ ऑफ एफ एक्स के बारे में क्या ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, यस या नो? बहुत बढ़िया। तो मैं एफ ऑफ एफ एक्स या एफ एक्स जी एक्स दोनों अलग भी दिए होते दे सकता है वो, एफ ऑफ जी एक्स में डिस्कस कर लेंगे, सही है? तो दोनों एक ही चीज है। अब जरा ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन हमने लिमिट में करा है थोड़े दिन पहले, अभी जब मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जब तुमने कहा था कि हमने एफ ऑफ जी एक्स बना के किया है क्वेश्चन, और मैंने उसी क्वेश्चन को बिना एफ ऑफ जी एक्स बनाए करके दिखाया था, याद आ रहा है? किस किस को याद है वो क्वेश्चन? बहुत बढ़िया, वही वही ट्रिक लगाऊंगा इसमें, वही ट्रिक। जरा ध्यान से देखो, बस बस अब चैट बॉक्स में मत लिखो कुछ, दो मिनट के लिए सिर्फ ध्यान से सुनना। मुझे ये बताओ कि एफ एक्स, मैं पहले एफ एक्स को देखता हूं, एफ एक्स किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है? जरा ध्यान से देख के चैट बॉक्स में लिख के बताओ। जीरो पे सबको दिख रहा होगा, जीरो से पहले पॉलिनोमियल है कोई दिक्कत नहीं, जीरो के बाद भी पॉलिनोमियल है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीरो पे फ्लक्चुएट कर रहा है। जीरो पे यहां से वैल्यू आ रही है -2 और यहां से वैल्यू आ रही है 4, जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब मैं ये लिख दूं कि एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जब भी एफ को इनपुट हमें 0 मिलेगा तो डिसकॉन्टिन्यूटी कॉज हो सकती है। एग्री कर रहे हो इतनी सी चीज को? बिल्कुल एग्री कर रहे होगे, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन मुझे एफ एक्स तो पूछा नहीं है, मुझे पूछा है एफ ऑफ एफ एक्स, यही पूछा है। तो इस पर दो एफ है, तो जब इस एफ को इनपुट 0 मिलेगा इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0, लेकिन एक बार बाहर वाले एफ को भी तो इनपुट 0 मिलेगा, क्या कहते हो? जरा ध्यान से सोचो, जब बाहर वाले एफ को इनपुट में 0 मिला, इनपुट में 0 मिला तो गड़बड़ हो सकती है या नहीं, यस या नो? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, बिल्कुल हो सकती है। इसका मतलब एक बार x इक्वल्स टू 0 और एक बार fx इक्वल्स टू 0, अंदर वाला जब fx 0 बनेगा तो बाहर वाला प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये दो पॉइंट मुझे चेक कर लेने चाहिए, क्या कहते हो? यस या नो? ये दो पॉइंट मुझे चेक कर लेने चाहिए, यस या नो? बिल्कुल सही, एक तो है ही। अब fx इक्वल्स टू 0 के लिए क्या x बता सकते हो क्या होगा? फंक्शन तुम्हारे सामने है, एक्स आ रहा होगा 2, ध्यान से देखो 2 आ रहा होगा। कुछ लोग प्लस माइनस 2 लिख रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस 2 जब तुम इससे निकालोगे तो माइनस 2 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x पॉजिटिव है। इसमें एफ एक्स को 0 रखो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर को रख दिया 0, x की वैल्यू आई प्लस माइनस 2, यही लिख रहे हो तुम, लेकिन x पॉजिटिव के लिए रखा है इसलिए x इक्वल टू 2 हो गया। ऐसे ही इस वाले में भी x माइनस 2 को 0 रखो, x की वैल्यू कितनी आई 2 आई, x की वैल्यू 2 इसमें तो सेटिस्फाई नहीं करती तो उधर से रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब जो फाइनली हमारे पास पॉइंट आया वो 2 ही आया, 2 यहाँ पे आके बना सकता है। इसका मतलब 0 और 2 ये दो प्रोबेबल पॉइंट है जिनको अगर मैं चेक कर लूं तो मैं एफ ऑफ एफ एक्स की कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी पे कमेंट कर सकता हूं। इतनी चीज को एग्री कर गए, यहां पहुंच गए तुम लोग। चलो सुनो अब ध्यान से, जरा सिंपल सा कंसेप्ट है, जब भी एफ को 0 इनपुट मिलेगा गड़बड़ होगी, एक बार अंदर वाले एफ को 0 मिला गड़बड़ हुई, एक बार बाहर वाले एफ को इनपुट कौन देगा ये पूरा, तो एफ एक्स को 0 रख दिया, एफ एक्स को 0 इधर भी रखा। इस कंस्ट्रेंट के हिसाब से जो वैल्यू एक्सेप्ट हो गई उसे एक्सेप्ट कर लिया, जो रिजेक्ट हो गई उसे रिजेक्ट कर दिया, ये आ गया। बाकी जिसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो दीना ना खाओ, डाइजेस्ट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, ये आ गया 0। अब मुझे 0 पे चेक करना है और 2 पे भी चेक करना है। अब मैं वैसे ही चेक करूंगा जैसे लिमिट्स में करते थे, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 माइनस f(f(0) + f(f(0) - f(f(0) ये तीन चीजें चेक करनी है मुझे। तो चलते हैं अब ध्यान से एक ही बार, क्योंकि टाइम कम बचा है तो एक बार में कंप्लीट करूंगा, बाकी वीडियो में देखना रिपीट टेलीकास्ट। f(f(0) +
एफ ऑफ जीरो प्लस, तो एफ को जब जीरो प्लस इनपुट मिल रहा है तो वैल्यू बताओ कितनी आती है जीरो प्लस इनपुट मिलने पे, एफ ऑफ जीरो प्लस कितना होता है जरा से जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। फोर नहीं, फोर नहीं लिखना, फोर प्लस या फोर माइनस लिखना, बताया था उस दिन भी, फोर माइनस, बिल्कुल सही। तो ये बना एफ ऑफ फोर माइनस, वैसे फोर होता अगर फाइनल आउटपुट होता तो, लेकिन अगर जीरो प्लस है ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, इसका मतलब फोर में से कुछ माइनस हो जाएगा, फोर में से कुछ माइनस हो जाएगा तो फोर से थोड़ी सी कम हो जाएगी ये क्वांटिटी, फोर माइनस। अब मुझे बताओ एफ ऑफ फोर माइनस कितना होता है जल्दी से, फोर से हल्की सी कम है क्वांटिटी, फोर से हल्की सी कम है तो यहां डालूंगा 3.98 ऐसी कुछ है, यहां डाल देता हूं फोर, कितना बना स्क्वायर 16, ये आया माइनस 12। इसमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, फाइनल आउटपुट में प्लस माइनस की जरूरत नहीं होती। एफ ऑफ जीरो माइनस, जीरो माइनस पे बताओ जल्दी से, एफ ऑफ जीरो माइनस बताओ मुझे, जीरो से जस्ट पहले कहां डलेगा, यहां पे डलेगा, फिर माइनस टू बोल रहे हो, माइनस टू प्लस या माइनस टू माइनस बोलो, एफ ऑफ जीरो माइनस यहां पे डलेगा, और जीरो माइनस यहां पे डलेगा तो आएगा एफ ऑफ टू माइनस, क्योंकि एफ ऑफ टू से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ना, थोड़ी छोटी हो जाएगी, बिल्कुल सही। एफ ऑफ माइनस टू माइनस कितना होता है जरा बताओ, एफ ऑफ माइनस टू माइनस कितना होता है, माइनस टू कहां डलेगा ऊपर या नीचे, ऊपर डलेगा, यहां डाल दूंगा फाइनल आउटपुट, ऐसे भी दे सकते हो। तो क्या मुझे ये चेक करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग आ गए, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो मैं क्या कह दूंगा, जीरो इज पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, समझ गए, जीरो इज पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू प्लस और एफ ऑफ टू, ये चेक करना है, एफ ऑफ टू माइनस, एफ ऑफ टू प्लस, एफ ऑफ टू, इसको भी देख लेते हैं, एफ ऑफ टू माइनस, टू माइनस यहां पे वैल्यू डालो क्या आएगा, टू माइनस यहां पे वैल्यू डालो फटाफट से मुझे बताओ, टू माइनस यहां पे डलेगी वैल्यू आएगी जीरो प्लस, बिल्कुल सही बना एफ ऑफ जीरो प्लस, क्योंकि जब मैं यहां टू डालता हूं तो जीरो आता है, लेकिन टू से हल्की सी छोटी क्वांटिटी डाली तो जीरो प्लस आई, तो एफ ऑफ जीरो प्लस भी बता दो, एफ ऑफ जीरो प्लस भी बता दो, एफ ऑफ जीरो प्लस आएगा फोर, आएगा या नहीं, बहुत बढ़िया। एफ ऑफ टू प्लस जल्दी से, एफ ऑफ टू प्लस बताओ, वो बनेगा एफ ऑफ जीरो माइनस, बिल्कुल सही लिखा है, और एफ ऑफ जीरो माइनस बता दो वो होता था माइनस टू, होता था या नहीं, फिर से ये दोनों अनइक्वल आ गए, फिर टू बी एक्स इक्वल्स टू टू बी क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ही होगा, समझ रहे हो इस बात को, बहुत बढ़िया।